हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफालीज किचन। शिफालीज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो ज़्यादातर घरों में बनाई जाती है, और आज मैं भी उसी सब्जी को बनाने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर शाही पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर लोगों के घरों में ये रेसिपी बनाई जाती है, ये सब्ज़ी बनाई जाती है। मैं भी कुछ आज अलग ढंग से बनाने जा रही हूँ, तो आप उसे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी मैंने यहाँ पर देसी लिया है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे घी के अंदर। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 प्याज लिए हैं मीडियम आकार के, और इनको धोकर मैंने काट लिया है लंबे टुकड़ों में मोटा मोटा। अब हमारा जीरा हो चुका हुआ है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ, वैसे तो हर घर में बहुत आम एक लोकप्रिय रेसिपी है जो हर घर में बनाई जाती है इंडिया में, और आज मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और हर घर में तकरीबन अलग अलग मेथड होता है सब्जी को बनाने का, और मैं जो तरीका अपने घर में यूज़ करती हूँ ये सब्जी बनाने का, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की रेसिपीज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम इसे अच्छी तरह से प्याज को भून लेंगे। दोस्तों, आप इस तरह से अगर शाही पनीर की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप जरूर ट्राई करें। पर मैंने यहाँ पर 4-5 प्याज सॉरी टमाटर लिए हैं और उनको भी मोटा काट लिया है धोकर। प्याज अब हमारे हो गए हैं और हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल होटल में मिलने वाली, जो हम होटल इंडियन रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह में खाना खाते हैं, वो बिल्कुल सेम वैसी रेसिपी बनेगी है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1 टेबल 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर सूखा धनिया डाला है, और 1/2 टीस्पून में यहाँ पर लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून में यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक और मिर्च मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही मैं यहाँ पर गर्म मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हमने भूनना है, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। और इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर हम इसको बीट कर लेंगे मसाले को। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच के करीब पानी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 8 से 10 मैंने यहाँ पर लौंग लिए, और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा लिया, और 2 से 3 मैंने यहाँ पर दालचीनी की पत्तियाँ ली, और 3 मैंने यहाँ पर छोटी इलायची ली है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो मसाला आपको बताया था, वो मसाला मिक्सी में बीट कर लिया, और हमें ऐसा ही मसाला चाहिए था बीट किया हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं थोड़े से, ये ऑप्शनल है, आपको डालने हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी और डाला है फ्राई पैन में, हमने उसी फ्राई पैन का यूज़ करना है, और उसके अंदर ही मैंने स्प्रिंग ऑनियन डाल दिए हैं। आप इसकी जगह शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं या बिना, दोनों चीज़ों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर वो जो ग्रेवी हमने तैयार की है अभी मिक्सी के अंदर, उसे डाल देंगे, प्याज टमाटर की, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। दोस्तों, वो मसाला जो हमने अभी मैंने आपको दिखा था लौंग इलायची वाला, वो सारा हम एक अलग गैस में पैन के अंदर उसको रोस्ट कर लेंगे और उसे पीस लेंगे। दोस्तों, मैंने इसे पीस लिया, देखिए मसाले को, और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब उसमें से लिया है मसाला, और मैं पहले वो डालूँगी।
रोस्ट किया हुआ मसाले का टेस्ट ही कुछ अलग तरह का होता है। अगर हम यही मसाला जैसे बाजार से पिसा हुआ मिलता है, हम वही डालें तो वो इतना अच्छा नहीं होता। जैसे गर्म मसाला के अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं, बट अगर आप इन चीज़ों को रोस्ट करके डालेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। उसका टेस्ट बिल्कुल होटल में मिलने वाली सब्जी के हिसाब से ही होता है। ये देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी थोड़ी सी मेरे को अभी ठीक लग रही थी, तो इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। अभी हमारी ग्रेवी, हमें अभी इसको पकाना भी है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। तो अगर आपको ठीक रखनी है तो आप इसको वैसे ही रख सकते हैं। मैंने अभी इसको ढक्कन लगा दिया और 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है। पनीर मैंने यहाँ पर घर का बनाया हुआ है दोस्तों। घर पे मैंने इसे लस्सी से तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी आने वाले टाइम में, कि ये कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है लस्सी से। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बनने वाला है, ये काफ़ी अच्छा तैयार हो चुका है। इसे 4 से 5 मिनट लग गए हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर 1 कटोरी के करीब फ्रेश मलाई ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं फ्रेश। मैं यहाँ पर घर की बनी हुई मलाई यूज़ कर रही हूँ। मलाई हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम पनीर को डाल देंगे। पनीर आप अपने ही हिसाब से, जैसे आपको शेप अच्छी लगती है पनीर की, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा इसका कलर आया है और बिल्कुल लग भी ऐसा रहा है कि जैसे होटल में बनाऊं। और दोस्तों, ये बनता भी बहुत टेस्टी है, खाने में भी वैसा ही टेस्ट होता है इसका जैसा दिखने में लग रहा है हमें। अब दोस्तों, हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब और इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे, जीरा और जो हमने दालचीनी पाउडर वगैरह वो सब चीज़ें ली थी, उनको रोस्ट किया था, उसका मसाला ही है ये। इसको एंड में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी के अंदर। दोस्तों, अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, पनीर हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों, बहुत जल्दी बनने वाला प्रोसेस है इसका और बहुत जल्दी बन जाता है और बनता भी बिल्कुल होटल स्टाइल में है। देखिए दोस्तों, थैंक यू।